सिख काउंसल ऑफ स्कॉटलैंड एक वफाकारी समाज सेवी संस्था वजो जानी जाती है। स्कॉटलैंड तो संचालित इस संस्था वालों समय समय से मध्य प्रदेश वसदे सिगलीगर बंजारे सिखां दे परिवारां दा जीवन पद्धर उच्चा चक्कण लई समागम किए जाते हैं। ग्लासगो के गुरु ग्रंथ साहिब गुरद्वारा विखे बच्चों का फन डे समागम करवाया गया, जिस विच वड्डी गिणती विच बच्चों ते उन्हां दे मापिआं ने शिरकत की। सिख काउंसल ऑफ स्कॉटलैंड संस्था का मानना है कि जेकर असी किसी नूं आर्थिक दान दिंदे आ तां उस तों बेहतर यह है कि किसी बच्चे नूं विद्या का दान दिता जाए तां उह अपणियां आउण वालियां कुलां का जीवन सुधार सकदा है। सिख काउंसल ऑफ स्कॉटलैंड वालों करवाए इस समागम दौरान बच्चों ने वख-वख खेडां दे विच हिस्सा लैके नाल ही सिगलीगर बंजारे सिखां दे बच्चों लई फंड भी एकत्र किया। इस समय सरदार सुलखण सिंह, गुरदीप सिंह समरा, डॉक्टर इंदरजीत सिंह, सरदारा सिंह जंडू, सरदार जगदीश सिंह वालों जिथे वलंटियर का धन्यवाद किया गया उत्थे इस समय पहुँचे मापिया अते बच्चों का भी बहुत धन्यवाद किया गया जिन्होंने इस समागम दौरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख काउंसल ऑफ स्कॉटलैंड पिछले 20 सालों तो सिगलीगर अते वणजारियां दे परिवारां दे बच्चियां नूं उपर उन्हां दा जो म्यार है उच्चा चुकण दे लई कोशिश कर रही है। उस दे म्यार नूं उच्चा चुकण दे लई जो एजुकेशन है वह एक सब तो वड्डा मुद्दा है। तो एजुकेशन बच्चे जिहड़े हन उन्हां नूं 300 बच्चियां नूं जो है वह एजुकेशन दित्ती जा रही है। तो उस दे लई अज गुरद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब विखे अज एक फंड डे रखा गया है, जिस विच बच्चियां नूं उत्साहित किया गया है गुरद्वारा आने लई अते नाल ही उन्हां नूं भी इस जिहड़े बच्चे उत्थे पढ़ते हैं उन्हां दे बारे भी नाल दे नाल उन्हां नूं दस्सिया जा रहा है कि तां कि जिहड़े गरीबी दी हालत विच उह किस तरह रहे हन, उत्थों दीआं भी जिहड़ियां हन सानूं पिक्चरां जां सानूं उत्थे दे जिहड़े सेवादार हन सानूं टाइम दी टाइम सानूं उह भेजदे रहिंदे हन, ते तां कि उत्थे दे हालात दा भी पता लगदा रहे कि किहड़े बच्चे किस तरह पढ़ रहे हन। ते नाल ही मैं पंज दरिया जो उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ जिहड़ा कि सानूं टाइम दी टाइम ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਲੀਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਓਟੈਗੋ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
मसले हल बना ते चानना पाया जाए। साध संग जी जी सिख कौंसल ऑफ स्कॉटलैंड है ये 2002 दे विच होण दे विच आई सी, सानू अगले साल 21 साल हो जाने ये काम करदे आ। ये भी जिहड़ा काम है ये संगत दे सहयोग तो बिना नहीं हुंदा, क्यों जिन्ना चिर संगत सहयोग नहीं दिंदी कोई काम नहीं हुंदा। हुण असी 5 साल हो गए उन्हां बच्चियां नूं असी पढ़ा रहे हैं जिहड़े 300 तो उच्चे उपर हन। थोड़ा जिहा श्रोमणी कमेटी ने जदों बीबी जगीर कौर जी आए प्रधान हन, उन्होंने जिहड़ियां पेंडिंग फीसां सीगियां 12 लाख उही दित्ता, उदा 25 लाख बन जाती है साल की। तो हुण जदों दे धामी अपने हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान आए श्रोमणी कमेटी के, उन्होंने दास ने बहुत आरी फोन किया, एक कारी ने मिले भी उन्होंने कहते कर दें पर उन्हें अज ती अज हूँ वह फोन चकन भी हट गए, क्यों जे फोन ही नहीं चकते तो असी कि फिर दास ने जो अपने जथेदार हैं अकाल तख्त उन्होंने भी बेनती की, वह कहें असं भी कहे उन्होंने, पर जोड़ा कहें होंगे परनाला उत्थे का उत्थे ही अज तक उन्हें कुछ नहीं किया। मेरी संगत के चरणों में दोए हाथ जोड़ के बेनती है, जिदा बाबे गुरु नानक देव ने कहा सगा किरत करो नाम जपो तो वंट के छको। मेरी यही बेनती है, असी किरत भी बहुत की, असी नाम भी जप रहे हाँ, हुण वंट के छकन का वेला है। मेरी दोए हाथ जोड़ के संगत अगे बेनती है कि असी जो सिगलीघर बन जा रहे हैं उन्हों की गांह फड़िए, जो क्योंकि जेडे सिगलीघर बन जा रहे हैं उन्होंने जो सिख कौम हैगी जो हिंदुस्तान हैगा तो उन्होंने करके ही है, क्यों उन्हें अपने जिहड़ी सिख कौम इहदियां जड़ां दे विच अपना खून पाया। भाई मनी सिंह जी, सतीदास जी, दयाला भाई, बचित्र सिंह जिन्हें भी होए सारे ये सिकलीगर बंजारिया विचों ही हैं, जिन्हां ने गुरु दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के जंगा युद्धां दे विच भी करतब दिखाए। मेरी तो यही बेनती है संगत दे चरणां दे विच। कमेटी नाल असीं मीटिंग कीती सी, कमेटी ने कहा तुसीं आ जाइओ, असीं जो भी संगत जो भी तिल फुल देगी तो बाकी असी भी कुछ करांगे। मेरी तो यही बेनती है कि असी जे हुण श्रोमणी कमेटी वाले नहीं करते तो साडा भी फर्ज बनता है। दास ने जो प्रधान जी हैं उन्होंने कहा प्रधान साहब उदा तुसी रौला पाई जाने कि क्रिश्चियन बन रहे हैं, जेडे साडे कोल जिदा कहते होंगे जी फसल पक्की है उन्होंने सामभन की लड़ है, जेडे सिकलीगर है ये साबित सूरत हैं। ये इन्हों चो कोई भी बंदा ऐसा नहीं गा जेड़ा अपना जिदा केस कतल करे या होर काम करे। बाकी जो जिस तरह जेड़ी सेवा है जे संगत ने सानू लाई है, असी जेड़ा भी कोई कार्ज या संगत के सहयोग तो बिना नहीं करूंगे। जे कोई भी वीर भैन जे उत्थे जाना चाहता तो असी उन्होंने दस सकते हाँ, साध संगत जी ओनू अपना किराया आप खर्चना पेगा, जिहड़ी साडी उत्थे टीम काम कर रही है वह उन्होंने सारा कुछ दिखा सकती है। जिहड़ा भी जाना चाहता साडे नाल जा सकता, असीं चाहुंदे जे कोई हत्थी जा के सेवा करनी चाहता वह भी जरूर कर, असीं उन्हूं वेलकम करते हैं, क्योंकि यह समुचे संगत का सहयोग चाहिए, बिना सहयोग तो यह काम नहीं हुंदा। जिस तरह के अज असीं गुरु नानक देव का पर्व मना रहे हैं, परम मना भी तह इस कीरत है जे असी किसी भुखे छकाईए बांह फड़ीए। जिस तरह कई बार इदा मैं एक छोटी जी गाथा थोड़े न सांझी कर दिना, टाइम तो मैं लेना नहीं चाहता इन्ना ज्यादा, पर हुण जे मैं स्टेज पर आ गया मैं जरूर करूंगा। यह अज तो 7 साल गांव की गल आ, एक गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट वालिया ने गुरुद्वारा बनाया सीगा उत्थे महाराष्ट्र के विच, दास भी उदो इंडिया गया सीगा, गुरमेल सिंह धामी हुणी भी गया सीगे, मैं तो अपने निजी काम गया सीगा, उहदा टैलीफोन आया किदां भाजी तुसीं कदों काम होगा, वह रब की ऐसी कृपा हुई मेरा काम एक दिन के बच्चे हो गया जिहड़ा जिहनूं 2-3 हफ्ते लगने सीगे। कहिंदा आपां चलीए फिर गुरद्वारा देख के आने, असीं उत्थे चले गए साध संगत जी, वह हैगा महाराष्ट्र के बच्चे सिंध वाला डिस्ट्रिक्ट उहदे विच उह गुरद्वारा। जदों असीं उत्थे गए उन्हां सिकलीगरां नाल गल्लां बातां कीतियां, असीं 5 दिन उत्थे रहे। जदों असीं हैना एक उत्थे बच्ची सीगी छोटी जिही 12-13 साल की होगी, तो वह कहिंदी बापू जी कल नूं प्रशादा साडे घर छकना, असीं कहा 7 वजन बेटा, असीं प्रशादा छकन चले गए। मैं अपनी लाइफ दे विच कदे रोया नहीं, असीं दो मंजियां ते बह गए, मैं तां गुरमेल सिंह धामी, तो उस बच्ची ने सानू
ਗੱਠੇ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੜਬੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਲਬਰਟ ਡਰਾਈਵ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।